माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस सुन रहा है, मैं सुन रहा हूँ। वैसे माननीय अध्यक्ष जी, ये परिपाटी नहीं रही, कम से कम शून्यकाल में तो सारे मंत्री यहाँ उपस्थित रहे। जिस विषय को माननीय सदस्य उठाते हैं तो कम से कम उसका मंत्री यहाँ मौजूद तो रहना चाहिए। मैं एक विशेष आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जब 22 तारीख को एक तरफ बीजेपी सब जगह भगवान राम का नाम ले रही थी और उसी दिन प्रदेश के कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम का एक कृषि विभाग का ऑर्डर निकलता है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि इस विभाग से जो रसायन अधिकारी जो चयनित हुए हैं, जिनकी नियुक्ति हुई है, उनको नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो ऐसा नजर आता है कि जैसे मुंह में राम और बगल में छुरी, और आप लोगों के द्वारा जो पूरे प्रदेश में चल रहा है कि दिल्ली से पर्ची आएगी, तो ये पर्ची प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हितों पे कुठाराघात करने की आ चुकी है। और बड़ा दुख का विषय है कि सदन चल रहा है और इस प्रकार के निर्णय बिना सदन में रखे हुए ये सरकार ले रही है। ये सरासर इस विधानसभा का अपमान है। यहाँ जो सदन के माननीय सदस्य हैं, इनके विशेषाधिकारों का हनन है। इस प्रकार से आप कोई भी नई स्कीम लागू नहीं कर सकते। अपनी जगह से बोलेंगे। लेकिन बड़ी विडंबना है, ऐसे ऑर्डर भी निकल जाते हैं और उसके बाद ऑर्डर वापस भी कर लिए जाते हैं। बड़ी असमंजस की सी स्थिति है। पर्ची सरकार तो सुनी थी, अब ये ढीली सरकार भी आ रही है। अध्यक्ष जी आप मेरी एक मिनट और मैं बोलना चाहूंगा। एक मिनट बोलिए। मैं चाहता हूं कि हमारी गहलोत सरकार के द्वारा जो ओपीएस लागू की गई, जिसका पूरे प्रदेश के अंदर उसका समर्थन हुआ, और देश के अंदर जो हमारी सरकार बनी, कर्नाटक के अंदर, हिमाचल के अंदर, वहां पे ओपीएस लागू की गई, और आज पूरे प्रदेश के कर्मचारी वर्ग ये जानना चाहते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। ये ओपीएस लागू करेंगे या एनपीएस लागू करेंगे, इस चीज को क्लियर ये बताएं, क्योंकि कर्मचारियों को ये भय है कि ये सरकार, क्योंकि टाइपिंग तो कर रखी है, एक ऑर्डर टाइप होके आ भी चुका है, ये सरकार इस प्लान के तहत है कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव निकले और ये एनपीएस जारी करेंगे, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं सरकार इस पे अपना रुख स्पष्ट करे कि एनपीएस लागू करेंगे या ओपीएस रखेंगे।